शुभ्रा जी, आपकी कुंडली अगर सही है तो आपके घर में कोई एक सदस्य अस्वस्थ रहता है, सही है कि गलत है? एकदम सही है, मेरा भाई है छोटा। ये बताइए, क्या आपके घर में कुछ ऐसी बीमारियां रहती हैं जिनको रिपोर्ट कराएं तो टेस्ट में कुछ नहीं आएगा लेकिन मरीज अस्वस्थ रहेगा, या अक्सर हड्डियों की तकलीफ या पेट की तकलीफ कुछ ना कुछ, या मानसिक दुर्बलता, ऐसा कुछ है क्या? ठीक है, आपकी कुंडली ये बताती है कि मकान के दरवाजे के पास ही पानी की कोई व्यवस्था, नल बोरिंग, कुआं, कोई टंकी, कोई साधन है क्या? नहीं, यहाँ तो नहीं है। आपके घर में दरवाजे के पास ही पानी की कोई व्यवस्था दिखाई देती है? हाँ, है टंकी है, बड़ी टंकी अंदर है। ठीक है, कुंडली बिल्कुल सही है। आप बताइए क्या जानना चाहते हैं? हमने आपको पहले ही कह चुके हैं, घुमा फिरा कर हमने बोला कि रिपोर्टें नॉर्मल आएंगी, रिपोर्ट में साइंस में पकड़ में नहीं आएगी, लेकिन मरीज बना रहेगा कोई, राइट? ये सब मेरे साथ ही होता है, मैंने कभी बोला आपको, आप क्योंकि मेरे को ना कभी पेट में दर्द, कभी सर में दर्द, कभी कुछ नहीं तो सिर्फ कमजोरी, हाँ ऐसा चलता रहता कुछ ना कुछ। हाँ, तो वही हमने आपसे कहा कि आपकी जो कुंडली बताती है वो यही बताती है कि एक अनजाना सा डर लगा रहेगा कि कहीं मैं मर तो नहीं जाऊं, एक तो मृत्यु का भय आपको लगा रहे। मृत्यु का तो बहुत रहता है, मतलब ये है कि अब तो मतलब मानिए 10-12 साल मुझे ये चीज झेलते हो गए, तो ऐसा है कि आप ठीक है क्या ही कर सकते हैं, मैं माता की पूजा करती हूँ तो वह उम्मीद बनाता है मुझे। ये डर तो आपको लगभग 2005 से लगने लगा था, फिर 2016 से तकलीफ और बढ़ गई, 2013 से चल रही है, ये चलने दीजिए अभी, वैसे भी 2016 से ये 2035 तक आपकी दशा कुछ ठीक नहीं चल रही है, ऐसी दशा में पिता या पिता की मृत्यु, पिता पिता तुल्य व्यक्ति की मृत्यु या कष्ट होता है कुछ ना कुछ, ये समय, हाँ ये समय अच्छा नहीं चल रहा है आपका, इस समय ये 6 मई 2016 से दशा चालू हुई है, इस दशा काल में 2035 तक भी चल रही, तो अभी 16 से लेकर अभी तक आपके परिवार में कोई अनहोनी, कोई विपत्ति, कोई दुर्घटना तो नहीं घटी है? मेरे 2016 में मेरे चाचा खत्म हुए, फिर मेरी दीदी की छोटी मतलब 13 साल की बच्ची खत्म हुई, मेरी बड़ी मामी जो मेरे माँ का मार थी वो खत्म हुई, अभी लास्ट किया मेरे नाना की शांत हुई 2016 से हुई है, अभी 4 साल ही हुए हैं, 4 साल में 4 मौतें हो गई, तो हमने से इसीलिए कहा कि आपकी कुंडली बताती है कि आपके जीवन में जो दशा चल रही है यह दशा काल आपके लिए बहुत अशुभ है, और ये बात बिल्कुल सही है, आप मानती हैं कि हाँ सही है? हाँ, और जब हम बता रहे हैं कि मृत्यु होनी चाहिए और आप मान रही हैं कि हाँ मृत्यु हुई, और हम तो एक मृत्यु की आशंका बता रहे हैं, एक्चुअल में आप लड़की जाती, ठीक है, तो अब हम आपको कैसे बोले, कैसे महिलाएं घबरा जाती हैं, मृत्यु का ना मृत्यु और मृत्यु का नाम सुन के बड़े बड़े घबरा जाते हैं, ठीक है, सही बात है। तो ये 2035 तक थोड़ा ठीक नहीं है, आपकी आवाज बताती है कि पिछले 7-8 महीने से नींद की कमी महसूस कर रहे हैं, सही है कि गलत? सही है, पिछले 7-8 महीने से घर में घुसते ही घर की दहरी जो है उस दहरी को लांघते हैं, घर में एंटर होते हैं, मन बेचैन हो जाता है, भारी हो जाता है, घबराहट होने लगती, और घर के बाहर निकलने पर मन संतुष्ट हो जाता, सही है कि गलत? बिल्कुल सही है।
आपकी आवाज बताती है कि पिछले कुछ समय से, पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन कमर में थोड़ी थोड़ी तकलीफ पीछे पीठ में हो रही है, सही है कि गलत? जी सही है। आपकी आवाज बताती है कि मन में एक घबराहट, एक बेचैनी, एक लाचारी का अनुभव पिछले कुछ समय से आप कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है जैसे मुट्ठी से रेत स्लिप होती है, ऐसा लग रहा है हाथ से सब कुछ निकला चला जा रहा, परंतु आप कुछ कर नहीं पा रहे, लाचारी का अनुभव कर रहे, सही है कि गलत? जी सही है। ठीक है, आपकी आवाज से हमने जो बातें बोली वह सही है। अब आपकी आवाज से एक बात और बताते हैं जो आप ही बता सकते हैं। जी, आपकी आवाज यह भी बताती है कि आपके घर के आसपास सामने तरफ बाएं हाथ तरफ कोई मकान पिछले कुछ महीनों के अंदर कोई मकान डिसमेंटल किया गया, तोड़ा गया फिर बनाया जा रहा है, या कोई मकान जमीन से ही खड़ा किया जा रहा है, या किसी मकान की बड़ी मरम्मत की जा रही है, सही है कि गलत है बताइए? जी सही है कि गलत है? सही है। आपकी आवाज से हमने पांच बातें बताई, पांचों बातें सही है, मानते हैं? जी बताइए क्या जानना चाहते हैं?